अरे भैया ब्लॉगर हो ना? अरे यार भाई आप पहचान गए यार भाई, भाई। सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? जेब कत रहा हूं। अरे यार लग भी रहे हो शक्ल से। और आप लोग बहुत प्यारा सा ब्लॉग एक सर्व करना है, तो फिलहाल देर ना करते हुए चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। क्या रोशनी हो रही है इमरान भाई यहाँ पे? ओह वाह, आई से भी धुलवाना है, बहुत गंदी हो रही है। आगे से भी बहुत साफ़ हो रही है, सब जगह से बहुत साफ़ हो रही है गाड़ी, इसे थोड़ा सा गंदा कराया जाए यार। अरे भैया आप ब्लॉगर हो ना? अरे यार भाई आप पहचान गए यार भाई, भाई थैंक यू भाई। सर 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 ब्लॉगर सर। सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? जेब कत रहा हूं। अरे यार लग भी रहे हो शक्ल से। और ये शख्स मेरे पीछे विक्रम मेताल की तरह से लदा पड़ा है, तू बोला और मैं चला। मोबाइल नंबर मार रहे भैया, अब क्या क्या दे सकते हैं इनके साथ साथ। बताना भूल गया था कि टाइम हो रहा है 4:53 और अप्रोक्स 5:30 बजे तक हम पहुंचेंगे उस जगह पे। आज मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू करा क्योंकि घर से ही लेट निकले थे। बाकी हमारा साहिल बोल रहा था 12 बजे से उठा दिया था, भाई चलो चलो चलो, लेकिन क्या कर सकते हैं, 6:30 बजे ना दोनों भाइयों को 6:30 बजे सोए थे यार, 6:30 बजे भाई ये पहले सो गया था ठीक है ना, और इमरान और मैं हम जाग रहे थे, हम 6:30 बजे के अप्रोक्स सोए हैं, लेटे हैं। ये देखिए सामने गांधी जी दांडी यात्रा पर जो जा रहे थे उसको दर्शाया गया है। लाइट से निकल पाएंगे? हमारी हमें पूरा यकीन है कि हम इस राइट से निकल जाएंगे पक्का। निकलने एक नहीं देते अभी मेरे को, अभी दो कदम चलते रेड लाइट हो जाती है, फिर ग्रीन होती है, फिर दो कदम चलते फिर रेड लाइट हो जाती है। मैं तो सोच रहा हूँ हमारा वाला बंद हो गया, हमें मुड़ना है। क्या लगता है आज की डेट में निकल पाएंगे बच्चों? देखना पड़ेगा सर जी, देखते हैं देखते हैं। जोश अरे हाई बोलना था भाई। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, बामशक्कत जगह ढूंढ कर एंट्री हो चुकी है हमारी, और जो है जामा मस्जिद दिल्ली की, वहीं से खाने का आइटम सारे चालू हुए, मैं दिखाता हूँ आपको। I don't know, tell me have I lost my mind, nowhere to go, so far from home, is this what giving up feels like, I don't know, tell me have I lost my mind, so I... फिलहाल वीडियो क्लिप शूट करते करते मैं यहाँ तक आ गया हूँ जामा मस्जिद के जस्ट सामने, और बीच के ब्लॉग मतलब मिस हो गया, मतलब इन लोगों के हाथ में था भाई के हाथ में था GoPro, तो फिलहाल अभी यहाँ तक आ गए हैं मेन। ये देखिएगा पीछे सामने मेरे जामा मस्जिद है, वो शॉर्ट्स में जामा मस्जिद के भी लूँगा नाइट के, जो मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको रील्स में मिल जाएंगे। हम ले रहे हैं इस टाइम जामा मस्जिद में एंट्री, पब्लिक दिखाता हूँ मैं आपको एंट्री। इमरान हम और साहिल आ चुके हैं जामा मस्जिद के अंदर, और यहाँ से पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स ले लिए हैं मैंने, और जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो फिलहाल जितना बन सकता है मेरा फिलहाल उतना दिखा देता हूँ यहाँ पे अच्छे अच्छे सिनेमैटिक। No, I'm not giving in.
फिलहाल कुछ सारे शॉट्स मैंने ले लिए हैं जो आपने देख लिए होंगे, सिनेमैटिक जितने मिले मतलब थोड़े बहुत, अंधेरा ज़्यादा हो गया था। हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, और यहाँ ये बेच रहा है इतना बड़ा बलून। जब इससे बलून लेंगे ना हम, ये वाला देखो, जब ये वाला बलून लेंगे ना हम तो ये बैठेगा मुश्किल से हाथ के बराबर, और ये लिए बड़ा इतना बड़ा होता है बड़ा फूल बस। खाना खाने के लिए आए हैं, देखते कहाँ खाना है, इधर जवाहर वगैरह है, अल जवाहर, ये सब आपने देख ही रखा होगा, ये हाजी शाही टुकड़ा। तो यहाँ हमारे इमरान भाई के एक फ्रेंड भी आने वाले हैं, और हमें लग रहा है भूख बहुत तेज थी, तो हमने ये डिसाइड करा पहले देखते हैं हम पहले खा लेते हैं, जब वो आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल शॉर्ट्स ले रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे से, सबको दिखेंगे, सब देखेंगे जो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि हम ओपन टेरिस कैफे है वो ढूंढ रहे हैं, गुम्बद कैफे समथिंग करके है ना, गुम्बद कैफे है वो ढूंढ रहे हैं, गुम्बद कैफे। अफसोस जताते हुए तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि यहाँ पर स्लॉट बुक कराना पड़ता है गुम्बद कैफे में, हमें पता नहीं था, हम आ गए थे यहाँ, तो अभी भैया से पता लगा कि इंस्टाग्राम पे गुम्बद कैफे नाम का एक पेज है जहाँ पर स्लॉट बुक करते हैं, तो जिस किसी को भी आना हो मेरी तरह से ना बने, पहले जाके अपना स्लॉट बुक कर ले, 2 से 4 के बीच में हो जाता है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, मतलब अपनी सीट वगैरह जो भी कुछ होती है ना, हाँ तो वही चीज़ है भैया बता रहे हैं। भैया से पूछवा देता हूँ, बता दीजिएगा। यार शर्मा गए आप तो। भैया कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में आ चुका हूँ, तो थोड़ा सा शाय फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं मैंने आपको बता दिया, फिलहाल अब देखते हैं कहीं और खाने का। फैमिली बड़ा टफ काम होता है, ब्लॉगिंग के साथ साथ इंस्टाग्राम के लिए भी अच्छा सर्व करना, अच्छे रील्स बनाना, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मेहनत में लगा हुआ हूँ, चाहे प्यार मिले या ना मिले, लेकिन मैं लेकर छोड़ूंगा, ठीक है। फिलहाल कबाब तो अभी यहीं पे कर रहे हैं, जिनका हम वेट कर रहे हैं उनकी वजह से भी थोड़ा सा खा रहे हैं, भूख बहुत तेज़ की लग रही है, पीछे लालू कबाब वाले। तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कबाब खा लें, फिर उसके बाद आगे का पूरा खाना खाएंगे, देखते हैं कहाँ जाना है। तो ये आ गए हमारे कबाब और ये चपाती, सही है बॉस, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करें, हालत खराब हो, बिस्मिल्लाह, चलो कबाब के बाद टिक्के। अरे कह रहे हैं पेटीएम नहीं देंगे हम, बताओ कैश चाहिए, अब तुमने खा लिया हम प्लेटें धोएंगे क्या, हम तो पेटीएम करेंगे। कह रहा है ये अफरोज भाई हैं हमारे, माशाल्लाह टोपी लगी हुई है एकदम मस्त वाले, लेकिन हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये हुई ना वाह, बोलो जुबा कैसी, तो खा लिया है, पेट भर लिया है मस्त वाला, हम इनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर अम्मा भाई कॉल आ रही है ब्लॉग में, अम्मा भाई आपको कॉल आ रही है, के बारे में तो बताओ, 3 बैग लिए, 300 रुपए का बता रहा था वो भाई, ने 100 रुपए में डील करा दी, मैंने बोला मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी। वो बोला भैया 350 मैंने कितने का, बोला 350, मैंने कहा अच्छा, तो साहिल बोला मेरे से कि 100 रुपये का दिलाओ तो ले लोगे, मैंने ठीक है ले लूँगा। तो उसके बाद उसने बोले डायरी जाकर उससे बोला, बोले बैग चाहिए, बोले 350, बोले 100, अरे नहीं भैया। उसके बाद ये होता रहा, नहीं एक काम करो आप 250 दे देना, नहीं 200 दे देना, नहीं मेरा 150 दे देना भाई, फाइनल है इसके बाद नहीं हो पाएगा, साहिल बोला 100, इतनी तगड़ी बार्गेनिंग करी है साहिल ने, 100 रुपये में फिर हम लोगों ने सबने एक एक बैग ले लिया, मतलब 350 में 50 एक्स्ट्रा देके भी आप एक बैग खरीदते, हाँ यहाँ 300 रुपये में 3 बैग ले लिए, वाह क्या बात है। और साहिल मेरे साथ है और इमरान दोस्त के साथ गया है एक अपने अभी, तो मुझे ब्लॉग कम्प्लीट करना है, आप लोगों को दिखाना है, गाना सुना होगा आपने कि दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, अब पुरानी दिल्ली आए हैं, आपको जामा मस्जिद वगैरह का एरिया भी दिखा दिया है और खाने भी दिखा दिया है, मीना बाज़ार तो दिखाया नहीं है ना, तो मीना बाज़ार के कुछ नाइट शॉट्स दिखाता हूँ आपको। मीना बाज़ार की एंट्री के लिए जामा मस्जिद के इधर वाले गेट से, यानी गेट नंबर 2 के सामने से,
ठीक है, गेट नंबर 2 के सामने से हैं और नीचे जा रहे हैं डाउन स्टेयर्स। जो मैंने आपको शॉर्ट दिखाया है इस वीडियो में, ये पूरा मीना बाजार का है। मीना बाजार इतना ही है, बाकी इसके आसपास में थोड़ी सी दुकान और शॉप्स वगैरह लग के और थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, पहले इतना बड़ा नहीं था। अब ये लास्ट स्ट्रीट है यहाँ की जो मैं और दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल फैमिली गाड़ी यहाँ रखी है, खड़ी है मतलब, और चाबी ले ली है। अब हम जा रहे हैं सीधा घर, जब इमरान भाई आएंगे तब आएंगे, फिलहाल हम पहुँचते हैं। और गाड़ी इनका भाई चलाएगा मतलब कि ये तो सोचिए कितनी जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं चलाता तो बहुत टाइम से लगता है, इसलिए मैं ही लेके जाऊँगा। फैमिली घर आ चुके हैं हम, और पुरानी दिल्ली में जो जो शॉर्ट्स रात के थे वो मैंने आपको दिखाए। मुझे बताना कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। फिलहाल ये ब्लॉग मेरा एक ऐसी था, नॉर्मली मुझे जाना था, खाना भी खाना था, वहाँ बहुत दिन हो गए थे तो आप लोगों को दिखाना बनता था। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको दूंगा और अभी मैं क्या क्या चल रहा है वो सब चीज़ें बताऊँगा। मैं एक डेली ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, और उसमें मैं आपको पूरे दिन की अपनी एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देन नेक्स्ट एक्साइटिंग वाले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय। No, I'm not giving in.